हेलो फ्रेंड्स, आईसीटी के कंटिन्यूएशन में हम आज देखेंगे टीचर और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है। और अपना आज का टॉपिक है आईसीटी कॉम्पिटेंसेस फॉर टीचर। फिनिश सरकार ने एक रिपोर्ट में कहा था कि कंप्यूटर को शिक्षा में कैसे उपयोग करना है, यह शिक्षण स्टाफ की शिक्षा वैज्ञानिक योग्यता यानी कि पेडागोगिकल कॉम्पिटेंस तथा तकनीकी कौशल यानी कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज पर निर्भर करता है। यानी एक टीचर के लिए कंप्यूटर को एजुकेशन में यूज़ करने के लिए दो टाइप की कैपेसिटीज़ की ज़रूरत होती हैं, एक है शिक्षा वैज्ञानिक योग्यता और दूसरा है तकनीकी कौशल। शिक्षा वैज्ञानिक योग्यता है कि आप किस तरीके से कंप्यूटर को अपनी टॉपिक के थ्रू रिलेट करते हो, और तकनीकी कौशल का अर्थ है कि आप कंप्यूटर्स किस तरीके से अपने एजुकेशन में यूज़ करते हैं, चाहे वो आप एग्ज़ाम लेने के लिए हो, रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए हो, वो तकनीकी कौशल होता है। कई देशों में जैसे कि इंग्लैंड में टीचिंग सर्टिफिकेट के साथ साथ आईसीटी में भी प्रशिक्षण होना एक कंपलसरी कंडीशन होती है, क्योंकि आईसीटी का शिक्षा में उपयोग निरंतर विकसित होता रहता है। इसलिए टीचर्स को आईसीटी में भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, चाहे वो रिफ्रेशर कोर्स का हो, कंप्लीट कोर्स का हो। यानी कि एक कंप्यूटर टीचर या किसी भी सब्जेक्ट टीचर के लिए शिक्षण सर्टिफिकेट यानी कि B.Ed, D.Ld, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ आईसीटी में भी कोई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये बात दूसरे देशों के साथ साथ हमारे देश पर भी लागू होती है। आईसीटी कॉम्पिटेंसेस फॉर टीचर में दो कैटेगरीज हैं, साधारण योग्यताएं जनरल कॉम्पिटेंसेस और तकनीकी योग्यताएं टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसेस। साधारण योग्यताएं को हम पेडागोगिकल स्किल्स भी कहते हैं, और यहाँ पे क्या क्या योग्यताएं हैं ये आप PDF में इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। साधारण योग्यताएं हैं कि टीचर आईसीटी की कार्य क्षमता को समझने की क्षमता रखें, यानी आईसीटी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आईसीटी आपके टीचिंग को अच्छा बना सकती है, वो आपको समझ में आना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है कि टीचर्स का आईसीटी के प्रति मनोवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो, खुश होकर यूज़ कर रहे हो, और आपको लगता है कि आईसीटी यूज़ करके आप अपनी टीचिंग को अच्छा बना सकते हैं। थर्ड जनरल कॉम्पिटेंसी है कि आपको कंप्यूटर का प्रयोग करना आना चाहिए, जैसे कि आपके आईसीटी फाइल में आप वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, पावर पॉइंट जिनके बारे में पढ़ेंगे, इससे आप कंप्यूटर का प्रयोग करना सीख सकते हैं। फोर्थ कॉम्पिटेंसी है इंटरनेट का प्रयोग करना, क्योंकि इंटरनेट पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है, तो उससे आप कोई भी डेटा हो, नई इन्फॉर्मेशन हो, वो सर्च कर सकते हैं, और साथ के साथ ईमेल पर चैट करके भी स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ जनरल कॉम्पिटेंसी जो है वो है तकनीकी साधनों का मूल्यांकन कर सकें, जो शिक्षकों की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। यानी आपको अपने टॉपिक के लिए कौन सा कंप्यूटर का मीडियम या आईसीटी का मीडियम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो एक जनरल कॉम्पिटेंसी है। यानी कभी आप बच्चों को आपको वर्किंग मॉडल दिखाना है, तो उसमें आपके लिए यूट्यूब वीडियो अच्छी चीज़ है, और कहीं पर आपको किसी सेल के पार्ट्स शो करने हैं, तो उसके लिए आप कंप्यूटर पर एक इमेज का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो अवेलेबल साधन हैं उनको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये एक जनरल कॉम्पिटेंसी आपके पास होनी चाहिए। सिक्स कॉम्पिटेंसी है शिक्षा संबंधी सॉफ्टवेयर या कोर्सवेयर का मूल्यांकन कर सके, जो फिफ्थ पॉइंट से मिलता जुलता है, कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं या कोर्सवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आपके टॉपिक में कितनी हेल्प कर रहा है उन बच्चों को अच्छे से समझने के लिए। सेवेंथ कॉम्पिटेंसी है कि वह नए अनुदेशन नियम, शोध तथा उचित मूल्यांकन अभ्यास की प्रक्रिया में शामिल कर सकें। यानी जो भी नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नए रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, नए मेथड्स हैं, उन्हें आप शिक्षा में प्रयोग कर सकें। एट है मल्टीमीडिया आधारित प्रस्तुतिकरण करना, जैसे हम चौक एंड डस्टर के मीडियम से बाहर निकलकर मल्टीमीडिया में आते हैं, और मल्टीमीडिया के अंदर हम कभी ऑडियो क्लिप दिखाते हैं, कभी वीडियोस दिखाते हैं, कभी उनसे लाइव चैट करते हैं, तो ये सारे नए प्रस्तुतिकरण के साधन हैं। नाइन्थ पॉइंट है एकीकृत करना, यानी जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, बच्चों को क्लासरूम में आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं आप, आईसीटी में आप अलग अलग मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इन सबको इंटीग्रेट करके यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट अपनी वैल्यू कम कर देता है, तो आपकी टीचिंग पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। हर चीज़ उतनी ही अमाउंट में डाली जाए जितनी अमाउंट में वो टीचिंग को हेल्प कर सके।
वह हाइपर टेक्स्ट और दस्तावेज और नेटवर्क के बारे में समझ रखते हो, इससे आप कंप्यूटर्स के बारे में, हाइपर टेक्स्ट के बारे में, नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। और लास्ट है शिक्षा तकनीकी के बारे में नवीन व आधुनिक जानकारी रखें, तो जो भी नए ट्रेंड्स हैं, नई इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बच्चों के साथ अपडेट रहना है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखें, तो उनके साथ मैचअप करने के लिए आपको खुद उन चीज़ों के बारे में, नई डिटेल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारी आपकी जनरल क्षमताएं हैं जो हर टीचर के लिए ज़रूरी हैं। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज, जिसके अंदर वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स आते हैं जो आपको उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना सिखाते हैं। इसमें विशेषताओं का एक सेट होता है जिसके अंतर्गत वह ज्ञान, कौशल व व्यवहार आते हैं जो किसी व्यक्ति को दिए गए कार्य से संबंधित क्रियाओं को प्रभावशाली ढंग से संपूर्ण प्रयोग करने में हेल्प कर सकते हैं, और जो राज्य को रोजगार प्राप्ति के अनुसार होते हैं। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक टीचर के अंदर जनरल कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए और टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए ताकि वो ICT को प्रयोग कर सके। आज टेक्नोलॉजी के युग में शिक्षक की भूमिका में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। जहां हम पहले सिर्फ ज्ञान देने का काम करते थे, आजकल हम निदेशक बन चुके हैं, जिसमें हमें बच्चों को गाइडेंस देना है, एक फ्रेंड की तरह हमें काम करना है, और ये तभी हो सकता है अगर हम प्रभावशाली ढंग से ICT का प्रयोग करें और सारे शिक्षण मेथड्स को इंटीग्रेट करें ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकें। इसके लिए जो स्पेशल कैपेसिटीज़ ज़रूरत हैं, योग्यताएं ज़रूरी हैं, वो हैं सृजनात्मकता, लचीलापन, प्रोजेक्ट कार्य का कौशल, प्रबंधकीय व संगठनात्मक तथा सहकारी कौशल। सृजनात्मकता, लचीलापन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप जनरल टॉपिक को अपने मेथड से नया बना सकते हैं, उस टॉपिक में नयापन ला सकते हैं, और इसकी हेल्प से आप अपनी टीचिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस तरीके से एक टीचर के लिए ICT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसमें कोई रिफ्रेशर कोर्स लेते हो तो आपकी टीचिंग में 4 चांद लगा सकते हैं। थैंक यू।